बाबर कितनी मायूस को नहीं है शिकस्त और इंग्लैंड को कितना क्रेडिट देंगे? हाँ बिल्कुल, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एज अ टीम, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम मैच जीतें और हम मैच के अंदर भी थे, और जिस तरह आज हमने स्टार्ट किया था और जिस तरह बैट्समैनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की, तो उसके बाद टिल मेरे ख्याल से लंच के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बैक टू बैक विकटें गिरी, पार्टनरशिप वैसे बिल्ड नहीं हुई और नए बैट्समैन जब गए हैं तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया और बैक टू बैक विकटें गिरने की वजह से प्रेशर आया। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड की टीम को, जिस तरह उन्होंने फाइट की और जिस तरह उन्होंने एफर्ट की, तो ऑल क्रेडिट टू इंग्लैंड। बाबर, जिस तरह आपने मैच से पहले भी कहा था कि आपको अग्रेशन इंग्लैंड का पता है कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम अपने टिपिकल स्टाइल से ही टेस्ट मैच खेलेंगे, तो जिस तरह का नतीजा है, क्या आप खुश हैं जो आपने 11 सेलेक्ट की थी? जी बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग के साथ और जो बेस्ट 11 होती है वो हमने वो खेली और उस पर मैं 100% हूँ। मुझे कोई वो दुख नहीं है कि मैंने ये टीम क्यों नहीं खिलाई। और देखें, हर टीम का अपना वे ऑफ तरीका होता है क्रिकेट खेलने का, और हमारा एक डिफरेंट है, और एक मैच से आप चेंज नहीं कर सकते कि एक मैच में आए और आप जिस तरह दूसरी टीम खेल रही है उस तरह खेलें। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है कि कैसे आपने गेम को लेकर चलना है, कैसे आपने दूसरी टीम पे आपने अटैक करना, किस टाइम पे आपने डिफेंसिव होना है। तो ये प्लानिंग होती है और हर एक का अपना अपना प्लान होता है, और कोशिश करते हैं कि हम जो बेस्ट हो वो किया जाए। बाबर, 4 लगातार टेस्ट अप हो गए हैं कि पाकिस्तान होम पे नहीं जीत सका, 2 ड्रॉज हैं, 2 डिफीट्स हैं, यूएई के 10 साल में इतनी लंबी रन इस तरह की नहीं थी, तो किस किस्म के यहाँ पे आपको लगता है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि रेक्टिफाई किस तरह किए जा सकते हैं? ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं होम, जो कि होम एडवांटेज कैपिटलाइज नहीं हो रहा? देखें, मेरे ख्याल से हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें और हम वैसा फिनिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आप क्लोज जाते हैं मैच में तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिनिश नहीं कर पाते। बाबर, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच हारा, उस टेस्ट सीरीज़ भी हार गया, अब ये पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन वो पिछले जो 5 दिन से पाकिस्तान ने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद जो एक बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इस पिंडी की पिच पर बात हो रही थी, तो इस पिच की तैयारी में पीसीबी ने आपको कितना कंफर्ट दिया और कितना इसमें आपका इनपुट था? देखें, काफ़ी इनपुट था और जो हमने प्लान किया था, जो हम चाह रहे थे वैसी पिच हमें मिली नहीं, और जो हमारे प्लान्स थे वैसे एक्सिक्यूट हो नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, और हम थोड़ा सा टर्निंग साइड पे जा रहे थे, टर्निंग साइड पे हमारा प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से या मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिपरेशन की वजह से वो वैसी विकेट बन नहीं पाई। बाबर, बताइएगा कि एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान मैच चाय के वक्फे तक जीत रहा है, और चाय के वक्फे के बाद कौन सा ऐसा लम्हा था जब पाकिस्तान मैच अपना लूज़ कर गया, और शाहीन अफरीदी की इस मैच में कमी महसूस हुई, हालांकि विकेट के बाद उसके बारे में बड़ी बात हो रही? डेफिनेटली, देखें, टी के बाद जब हमारे दोनों बैट्समैन आउट हुए हैं, आगा और अजहर अली, वहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा आना शुरू हो गया था कि मैच से हम थोड़ा सा बिहाइंड होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह नसीम और मोहम्मद अली ने एफर्ट की, ड्रैग किया, थोड़ा सा एफर्ट दिखाई, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एज अ बैटिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, ये नहीं कि टेल एंडर बचा लेते मैच, ये मैच हमें जीतना चाहिए था और हमारे हाथ में ये चीज़ें थी, तो हमें एज अ बैटिंग लाइनअप जीतना चाहिए था। बिल्कुल, देखें, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है और जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और जिस तरह बॉलिंग लाइनअप को वो लीड करता आ रहा है, तो उसकी बिल्कुल काफ़ी कमी महसूस हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह नसीम और मोहम्मद अली की भी यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, आफ्टर हारिस की इंजरी के बाद उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी। बाबर आजम, ये बताइएगा कि आप क्या मैच ड्रॉ के लिए खेलने के लिए कोई आपकी हिकमत अमली थी, मैनेजमेंट का फैसला था, या आपका अपना फैसला था कि आप इतनी दलेरी से नहीं खेले जिसकी तोक़ो की जा रही थी कि शायद ये मैच आप जीत जाते? क्या आप ड्रॉ के लिए किसी हिकमत अमली का शिकार हुए, या
आपने ओपन छोड़ा हुआ था? नहीं जी, हमारा प्लान था जीतने का, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने थी और हमारे सामने भी थी कि मैच जीतने वाला मैच था, ड्रॉ वाला मैच नहीं था। और जिस तरह मेरे ख्याल से प्लानिंग थी और थ्रू आउट हम जब खेल रहे थे तो कोशिश यही थी कि नॉर्मल अपनी क्रिकेट खेलें, और 3.5 4 के रन रेट से हम खेल रहे थे। और लेकिन जब आपकी बैक टू बैक विकटें गिरती हैं और मेन बैट्समैन आपके उस दौरान क्रूशल टाइम पे नहीं होते तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है टेल एंडर के साथ। तो मेरे ख्याल से मैंने जैसे भी बोला कि मैच हमें जीतना चाहिए और बैटिंग लाइन को फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में थी। बाबर आजम, चार लोगों को आपने टेस्ट कैप दी, आप समझते हैं कि कोई उसमें ऐसा फैसला था जो सही नहीं था और आइंदा थोड़ा सा किसी और प्लेयर को भी इसी सीरीज़ में चांस देते, क्योंकि बड़ा टारगेट था, बड़ा टेस्ट मैच था? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा कुछ नहीं था हमारे लिए, और जो हमारी मैनेजमेंट और मेरा फैसला था वो बेस्ट 11 के लिए। बाबर, बिलाशुबा दिलेराना फैसला था दूसरे कैप्टन का, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, पास्ट हो गया, आगे चलते हैं। बुल्तान टेस्ट है, शाइन भी नहीं है, हारिस भी नहीं है, अज़र भी इंजरी का शिकार है, तो वन डाउन इतनी इंजरीज के साथ क्या हिकमत अमली होगी? चूँकि चांस है पाकिस्तान के लिए, अगले 3 मैच जीतेंगे तो आप टेस्ट का फाइनल भी खेल सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी नज़र में हैं, तो उन्होंने भी दिलेराना फैसला किया, आप इससे बड़ा फैसला क्या करेंगे? देखें अभी ऐसा कोई फैसला तो राइट नाउ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इंजरीज हैं उसको हम देख रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि क्या वो अगले मैचेस में अवेलेबल हैं कि नहीं है। अभी फिजियो से बात होगी, कोचेस से बात होगी, उसके बाद प्लान करेंगे कि क्या हमने आगे जाके करना है और किस तरह से हमने खेलना है। और रही अज़र अली की बात, मेरे ख्याल से वो इतनी कोई इंजरी नहीं है, लेकिन हारिस की थोड़ी सी जो इंजरी है वो थोड़ी सी स्वेर है, और मे बी अभी कोई पता नहीं है कि अगले मैच में वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। प्लानिंग यही होगी कि अगला टेस्ट मैच जीता जाए और कोशिश करके जो ये सीरीज है वो उसको हम कंटिन्यू करें। हसन अब्बास में क्या अटैच होगा? हसन अली और अब्बास में क्या अटैच होगा? बाबर दोनों स्क्वाड में स्क्वाड में नहीं है वो, कहाँ बुलाया बाबर? सर आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, शायद मुझे शायद अभी पता लगेगा। अच्छा बाबर, साद अब्बासी, मेरा आपसे सवाल जी अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह हमने देखा कि इंग्लिश स्क्वाड में एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है जेमी एंडरसन, लेकिन हमारी जो स्क्वाड है उसमें कोई एक्सपीरियंस इस तरह का फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है, क्या आप समझते हैं कि स्क्वाड में जिस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं मीर हमजा हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, उनको क्यों चांस नहीं दिया गया? और दूसरी बात, हारिस रऊफ की अगर बात करूँ तो हारिस रऊफ पहली इनिंग्स में बॉलिंग के बाद वो थोड़ा उनका मसला आ गया और उन्होंने बॉलिंग नहीं की, तो क्या समझते हैं कि थोड़ी सी इधर वीकनेस थी? देखें जो टीम मेरे ख्याल से जो हमारी सिलेक्ट हुई थी वो बेस्ट 11 सिलेक्ट हुई थी, और जो हमारे फास्ट बॉलर थे वो देखें नसीम, हारिस और मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से हमने जो हमें बेस्ट लगी वो हमने चूज़ की। और जहाँ तक रही हारिस की बार, हारिस की इंजरी जो उसने डाई मारी वो बॉल के ऊपर आ गया उसके ऊपर, उसके बाद उसको जब वो बॉलिंग की है उसकी वजह से उसके बाद पेन स्टार्ट और ज़्यादा होना शुरू हो गई जो नॉर्मल है, और उसका स्पोर्ट्स में छोटी इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल उसका हमें नुकसान हुआ है। और अगर वो बॉलिंग करता तो मे बी डिफरेंट सिनेरियो होता, क्योंकि 140 के पेस में रिवर्स बॉलिंग खेलना मुश्किल काम होता है। बाबर ठीक है, टेस्ट मैच हार के कोई बात नहीं, अभी मुल्तान और कराची के भी मैचेस हैं, लेकिन 5 रोज़ तक पिंडी की क्राउड का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था और 5 रोज़ आपको भी सपोर्ट करते रहे, इंग्लैंड को भी सपोर्ट करते रहे, तो क्राउड के हवाले से क्या मैसेज जाएंगे पिंडी के लिए जब आप टेस्ट मैच यहाँ से ख़त्म करके जा रहे हैं? देखें क्राउड, जितनी भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, पिंडी ने कभी मायूस नहीं किया हमें, और इवन के दूसरी टीम को भी उन्होंने जब भी आए हैं और जो भी इंटरनेशनल मैच हुए उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 दिन पैक रहा है और लोगों ने इन्जॉय किया और लोगों ने सपोर्ट किया, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आपको अपना क्राउड, अपने लोग सपोर्ट करते हैं और आके इन्जॉय करते हैं, तो और दुनिया को भी दिखाते हैं कि हमारी जो क्रिकेट है और फैंस है वो लाइव हैं और ये चाहते हैं कि टीमें आएँ और हम उनको देखें और उनको सपोर्ट करें।
हाँ बाबर, क्या कहेंगे, इंग्लैंड ने जब 343 का टारगेट दिया पाकिस्तान को, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जल्दी इनिंग्स डिक्लेयर करके पाकिस्तान को कल ही बैटिंग दे दी, और ख़ास तौर पे फोर्थ इनिंग्स में अगर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स देखें, जिमी एंडरसन है, रॉबिन्सन है, स्टोक्स है, खुद 9 फास्ट बॉलर्स ने इस डेड पिच पर जो है विकेट्स लिए, तो कहाँ रेट करेंगे पाकिस्तान की फास्ट बॉलर को, इंग्लैंड की फास्ट बॉलर को? हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि वो हमें आखिरी सेशन खिलाएंगे, और जिस तरह उन्होंने डिक्लेरेशन की और उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, और स्टार्ट जिस तरह हमने किया, और आज का दिन भी हमने दोनों सेशन काफ़ी अच्छे खेले और डोमिनेट किया, लेकिन इन दी एंड आखिरी सेशन में मेरे ख्याल से क्रेडिट के देना चाहिए इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को। और जहाँ तक रही आपकी, देखें दोनों टीमों में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन एक्सपीरियंस मैटर करता है, और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से हमारे सारे फास्ट बॉलरों से अकेला एंडरसन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बाबर भाई, ये बताएं कि कल आप जिस गेंद पर आउट हुए थे, क्या आपको उस गेंद की समझ नहीं आई थी या क्या मामला था? मामला तो कुछ नहीं, बड़े बैट्समैन और ऐसी गेंद पर आप आउट हुए। सर ये तो बॉल है, और वो तो जब आप गलत खेलेंगे तो आउट तो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बॉल थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा विकेट पे होल्ड गया जिसकी वजह से गैप बन गया। हाय बाबर, आतिफ बीबीसी स्पोर्ट। दिस इंडियन टीम हैज कम हियर टू पाकिस्तान एंड कंटिन्यूड व्हाट दे स्टार्टेड दिस समर। दे हैव बीन फैंटास्टिक एट होम प्लेइंग दिस न्यू अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट अंडर मैकलम एंड स्टोक्स। They've been so effective, and they've come here to Rawalpindi, you know, scored at more than a run of ball. They've been amazing when they've come here and performed, and the aggressive declaration, and they got there in the end. Obviously, you know, you and Pakistan had your moments, but they were always sort of ahead in the game. How far ahead of the rest of the world do you think this England team is right now? Dekhe, right now, hum expect kar rahe the ke wo aisi cricket khelenge, aur क्योंकि जो उनके होम सीरीज़ भी हुई थी वो उसी तरह की क्रिकेट खेले थे, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। हमारी भी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू इनकी जो जो प्लान था, जो जो जिस तरह के ये क्रिकेट खेल रहे हैं उसी तरीके से था, लेकिन कभी कभार डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सिक्स एंड हाफ पर आवर आप अगली टीम खेल रही है, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको कैसे स्ट्रिक करना है। और मेरे ख्याल से हमने थोड़ी सी बॉलिंग भी एरिया में नहीं की, और जिसकी वजह से दोनों तरफ आपको रन्स पड़े हैं, एज अ कप्तान आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है दोनों साइड पर फील्डिंग खड़ी करना और स्टिक करना। और लेकिन उसके बाद सेकेंड इनिंग में मेरे ख्याल से जिस तरह हमने वन साइड पर बॉलिंग की और जिस तरह उनको हमने थोड़ा सा स्टिक किया, लेकिन क्रेडिट दूंगा ब्रुक्स को, जो रूट को, जिस तरह उन्होंने वो दूसरी इनिंग में खेला वो आउटस्टैंडिंग था। बेस्ट ऑफ लक इन मुल्तान। हेलो, सॉरी इफ यू ऑलरेडी बीन आस्क्ड दिस, बट आई जस्ट वांट टू गेट योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ डिफरेंट यू थिंक द क्रिकेट दैट इंग्लैंड आर करंटली प्लेइंग इज to what all the other countries in the world in test cricket are doing. बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट था, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जिस तरह वो पहले इनिंग्स में खेले वो थोड़ा सा मैच हमारे से दूर ले गए थे, और लेकिन जिस तरह हमने बैटिंग की हम थोड़ा मैच के करीब आए, और फिर उन्होंने जो डिक्लेरेशन की और हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी मैच जीतने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए। Well, of course, we were expecting England will play this way and